तो हेलो गाइस, वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम, स्वागत आपका एक और तड़कते भड़कते माइनक्राफ्ट के हाउस ट्यूटोरियल वीडियो में। तो गाइस, आज अपन लोगों ने ये धाकड़ सा अंडरग्राउंड हाउस बनाया है, जिसको भाई बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा मेरे को। सीरियसली यार, देखने में जितना ये ऑसम लगता है, बनाने में उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि ये जितना भी बना है सारा अंडरग्राउंड बना है। तो गाइस, पहले तो मैं थोड़ा सा इंटीरियर की झलक दे दूं कि क्या है भाई। एक्वेरियम तक बनाया तुम्हारे भाई ने, बुक शेल्फ बनाई है, और भाई रेस्टिंग एरिया वगैरह सब वगैरह तैयार तुम्हारे भाई ने किया है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, मतलब यार ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये तुम्हारा कर ही दिया करो यार, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है यार, ताकि तुम्हारा भाई जल्दी लेकर जाए। तो भाई ये एरिया है जो तुम्हें डिज़ाइन करना है, मतलब बिल्कुल इसी की तरफ से काट लो, चिंता तुम काट सकते हो। बाकी मैं लेआउट की और भी फोटो दिखा देता हूँ, जिसमें भाई पूरे नंबर की एडिशन है, तो नंबर के हिसाब से जितना भी एरिया इसको सारे को काट लो, ताकि इसको भाई अंदर को डिक करना है कम से कम 6 ब्लॉक। तो गाइस, मैं वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर नए आए हो ये सारा कुछ कर देना, मतलब ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ भाई, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा भाई जल्दी 10K के पास पहुँचना चाहिए। तो गाइस, ये नंबर के हिसाब से तुम इसको फॉलो करके जल्दी से जल्दी इसको काट लो। और मैंने गाइस ये पूरे का पूरा काट लिया था रंग बिरंगे तरीके से, तो जल्दी से इसको काटने के बाद भाई इसको पूरा डेक कर लो। मतलब मैंने वाइट और पिंक से लिया था, तुम देख लो जिससे ले सकते हो। तो भाई इसको पूरा काट लो, तो पूरा अंदर की तरफ ना इसको तोड़ना शुरू करो, और 5 to 6 ब्लॉक्स काट लो, और तुम्हारे भाई ने पूरा काट लिया, जैसे कि देख सकते हो पूरा 5 to 6 ब्लॉक्स पूरे का पूरा अपन लोगों ने काट दिया इसको। अब इसको काटने के बाद नीचे ओक प्लैंक्स पूरे लगा दो, ताकि एक फ्लोरिंग बन जाए। तो इतना करने के बाद भाई अब हमको करना है, यहाँ पे बनाने हैं बैरियर। तो नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे ओक जो स्ट्रिप्ड लॉग्स हैं, उससे यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे पूरे बैरियर्स लगाएंगे। जल्दी से जल्दी पूरे बैरियर्स कवर करो यार, मतलब मिलते हैं बैरियर कवर करने के बाद, क्योंकि पूरे के पूरे बैरियर बनाने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे गाइस हमने पूरे हर एक कॉर्नर पे वो लगा दिए हैं पिलर्स, और उसके बाद यहाँ पे इसको करो कवर, ये भी ओक स्ट्रिप्ड लॉग्स हैं, तो इससे जल्दी से जल्दी इसको यहाँ पे कवर कर दो, पूरे का पूरा जितने भी है ना इसको कवर कर दो जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे अपन लोगों ने इसको भी कवर कर दिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से हो गए हैं। तो इसको कवर करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम स्मूथ स्टोन स्लैब, तो जल्दी से भाई पूरी आउटलाइनिंग स्मूथ स्टोन स्लैब से कवर कर दी जाए। तो यहाँ पे अपन लोगों ने ये भी कर दिया, मतलब यार देखने में काफ़ी जल्दी जल्दी में हो गया, बट इसको बहुत टाइम लगा था। तो जल्दी से और कॉन्सेंट्रेशन से ये काम खत्म करो। और भाई ये वाली साइड पर अपन लोग बनाने वाले हैं स्टेयर्स, ये एक साइड पर और एक दूसरी साइड पर, तो यहाँ पे अपन लोग बनाने वाले हैं स्टेयर। उससे पहले यहाँ पे खड़े करेंगे पिलर, जो होंगे ओक से, स्ट्रिप्ड बर्च लॉक से, और स्ट्रिप्ड ओक लॉक से। तो जल्दी से पहले यहाँ पे सारे जितने भी पिलर्स हैं भाई, जितने भी मतलब मेरे स्टेप्स हैं, मैं वीडियो थोड़ी फास्ट करने वाला हूँ, तो जितने भी स्टेप्स हैं इसको जल्दी जल्दी से फॉलो कर लो, मिलते हैं स्टेप्स फॉलो करने के बाद। गाइज इतना होने के बाद अपन लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे स्टेयर्स, मतलब पूरी जितने भी हमारी स्टेयर्स है ना, यहाँ पे पूरी स्टेयर्स लगा के अपन लोग स्टेयर से कवर कर देंगे, और यहाँ पे कवर हो चुका है वैसे। तो गाइज यहाँ पे स्टेयर्स बन चुकी हैं, और ये एक साइड पे हो गया, अपन लोग को यही सेम जो यहाँ पे किया है वो दूसरी साइड पे लास्ट में करना है, क्योंकि स्टेयर्स दो साइड पे होगी। तो इतना करने के बाद जल्दी से पहले इसको कवर करो, उसके बाद दूसरी साइड पे भी स्टेयर्स बनाने अपन लोग को जाना है, और स्टेयर्स बनाओ उसके बाद भाई बाकी काम भी करेंगे। तो ये अपन लोग आ चुके हैं दूसरी साइड पे, और यहाँ पे भाई स्टेयर्स बनानी शुरू करो जल्दी से, क्या ही देख रहे हो। तो गाइज दूसरी साइड पे भी स्टेयर्स बन चुकी हैं, मतलब दोनों साइड्स पे अपन लोगों ने ये काम तो कवर कर लिया है। तो गाइज अब बारी आ रही है भाई दीवार कवर करने की, वो हम करेंगे स्मूथ स्टैंड स्टोन से, और नीचे की जो लेयर है वहाँ पे लगाएंगे हम वाइट कंक्रीट, तो जल्दी से इसको भी कवर करो। तो गाइज हमने हर एक दीवार को कवर कर लिया है स्मूथ सैंड स्टोन से और वाइट कंक्रीट से, जो कि एक काफ़ी क्लासी लुक दे रहा है। और गाइज जहाँ जहाँ पे आपको निकालना है ना, वहाँ वहाँ पे इसके दरवाजे निकाल दो, मतलब मेरे को जहाँ पे अच्छे लगे मैंने वहाँ पे निकाले हैं। और उसके बाद ये जितना भी आउटर का कवर है स्टेयर्स को छोड़ के भाई वहाँ पे बिल्कुल मिरर से सारा कवर कर दो, और
हमारी बाहर की बाउंड्री सारी तैयार है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है। तो अब बारी आ रही है भाई इंटीरियर की। तो गाइज अब इंटीरियर में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बट तुम स्टेप्स कवर करते रहना। हम स्टेयर्स पहले को थोड़े से सजा लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ दो इंटीरियर्स दिखाए हैं। एक स्टेयर्स के, स्टेयर्स दोनों बनाई हैं उनके इंटीरियर्स दिखाए हैं, और दो कमरों के इंटीरियर्स दिखाए हैं। बाकी भाई अपनी मर्जी से बनाओ। और अगर तुमको इसका लिंक चाहिए तो जल्दी से भाई इस वीडियो पे कम से कम 100 से 200 लाइक्स के अंदर कंप्लीट करो। तुम्हारा भाई इसकी जो लिंक है वो भी तुमको डिस्क्रिप्शन में दे देगा, बट अभी नहीं देगा जब तक भाई इतना काम नहीं कम्प्लीट होगा। तो यहाँ पे पहले से ये लगा लेते हैं और पेंटिंग। तो भाई इंटीरियर वैसे तो अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, बट अगर तुमको थोड़ा सा आइडिया लेना है तो वो तुम मेरे से ले सकते हो। तो ये हमारी, ये तो कवर हो गई, यहाँ पे लगा देते हैं पॉट्स। तो अब बारी आ रही है भाई मेन, मतलब ये आप लोगों ने बहुत टाइम लगा के इसको डिज़ाइन किया था। ये है हमारा बेडरूम, यहाँ पे पीछे की तरफ बैरल्स लगे हैं और उसके बाद आगे लग गया बेड, और यहाँ पे हम लगाएंगे कारपेट। तो यहाँ पे कारपेट लगाने के बाद भाई इसको तोड़ो, क्योंकि मेरे यहाँ पे पीछे थोड़ा पानी निकला था। अगर तुम्हारे पानी नहीं निकले तो फिर तो काफ़ी इजी वाला काम हो जाएगा, बट मेरे पीछे पानी निकला था। तो इसको भाई जल्दी से यहाँ पे वाइट से पहले कवर करो, उसके बाद हमें यहाँ पे बेसिकली जरूरत पड़ने वाली है प्रिस्मरीन स्टोन्स की, और उसके बाद सैंड की, क्योंकि नीचे सैंड लगाएंगे तभी ग्रास वगैरह उगा पाएंगे और यहाँ पे मछलियाँ आएंगी। तो जल्दी से पहले ये सारा कुछ ऊपर रखते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं अपन लोग पूरे ग्लास की स्लैब्स, क्योंकि इस लगाने के बाद भाई एक्वेरियम ग्लास स्लैब से बनता है। तो यहाँ पे स्लैब्स वगैरह लगा लेते हैं, और नींद भी आ रही है तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो गाइज अब ना बिल्कुल स्टेप्स कवर करो जितने भी दिख रहे हैं, काफ़ी मैं वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, तो बिल्कुल देख लेना कैसी बनी। और बिल्कुल भाई स्टेप्स कवर करो, मतलब उनको फॉलो करो ताकि तुम भी एक्वेरियम बना सको। तो गाइज अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो वीडियो, अगर आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इट मीन्स अ लॉट यार। तो गाइज मेन एक्वेरियम का जो एरिया है वो अपन लोगों ने वो तैयार कर लिया है। तो अब बारी आती है भाई इसको डेकोरेशन करने की। तो यहाँ पे जितने भी भाई कोरल करके जो भी हमारे सी के प्लांट्स हैं उनको अपन लोग यहाँ पे लगाएंगे, और लैंटर्न्स भी लगा देंगे ताकि थोड़ी लाइट रहे यार। और यहाँ पे हमारी फिशेज आ चुकी है और सी पिकल्स हैं। तो सारा कुछ भाई यहाँ पे पूरे का पूरा भरपूर कर दो। दो यहाँ पे हम लगा देंगे सी पिकल्स, ये तो लगेगा नहीं यहाँ पे यार। सी ग्रास भाई मैं यहाँ पे लगा ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों। भाई यहाँ पे अपन लोगों ने फिशेस सारी भर दी हैं, काफी ज्यादा फिशेस भर दी। तो गाइज एक्वेरियम हो चुका है पूरे का पूरा तैयार, और अगर आपको ये डिज़ाइन एक्वेरियम का अच्छा लगा प्लीज यार सपोर्ट करो और बताओ ये कैसा लगा। अरे यार यहाँ पे बाहर भी पानी पानी हो गया। तो यहाँ पे तो सारा कवर है, पर लोग पानी का देख लेते हैं, कुछ बकेट पहले निकालेंगे। पानी निकाल यार यहाँ से निकल गया एक साइड से,
पानी वाला एरिया तो कवर हो गया और हमारा एक्वेरियम भी तैयार है। तो एक्वेरियम तैयार होने के बाद यहाँ पे भाई बाहर वाली साइड पे सारे बुकशेल्फ वगैरह सब बनाना है, तो स्टेप्स बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना गाइस। तो गाइज अगर आपको इतना डिज़ाइन अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो। तो गाइज अब यहाँ पे ना बिल्कुल अपन लोग शेल्फ से भरने वाले हैं, चेस्ट से। तो चेस्ट यहाँ पे लग गई है, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जल्दी से ये लगा लेते हैं और यहाँ पे लगाएंगे लैंटर्न्स। तो गाइज अब हम बनाने वाले हैं बुक शेल्फ, जो कि मतलब बहुत मज़ा आया था मेरे को बनाने में, तो ज़रा देख लो उसको। तो गाइज ये मैंने थोड़ा सा यूनिक सोचा था, मेरे को लगा था थोड़ा अच्छा लगेगा। एमराल्ड वगैरह यहाँ पे लगा दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब ऊपर वाली साइड पे लगा देंगे 3 बैरल और अब भाई इसको करते हैं कवर। ये हो गया काफी ज्यादा अच्छा यार, मतलब बहुत अच्छा बना ये हो गया। तो पूरी बुक शेल्फ तैयार है जो कि बहुत अच्छी लग रही है, सीरियसली काफी अच्छी लग रही है यार। तो इतना होने के बाद अब बारी आ रही है बाकी चीजों की। यहाँ पे भी स्टेयर्स लगाने हैं और ये गलत लग गया यार, यहाँ पे ये लगाएंगे। तो ये हो चुका है कंप्लीट, काफी अच्छा लग रहा है यार। अब बारी आ रही है हमारे वैसे रेस्ट रूम की, तो यहाँ पे भी एक ठीक है। तो गाइज यहाँ पे बारी आ रही है हमारे रेस्ट रूम की, इसको भाई पूरे टोटल 6 नीचे की तरफ डिग कर लो। और तो पूरा डिग करने के बाद यहाँ पे पूरी ग्रास लगा दी जाए, और ग्रास और ग्लो स्टोन का काम हो गया। तो यहाँ पे इतना लगाने के बाद भाई व्हाइट कंक्रीट से सारे का सारा इसको कवर करो। वो करने के बाद भाई यहाँ पे पूरा ब्लैक, मतलब ब्लैक ही लगाओ, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ब्लैक मिरर से कवर करो और उसके बाद भाई एक जगह तोड़ के वहाँ पे नीचे पानी भर दो सारा, जितना पानी भर सकते हो भाई पानी भर दो। मतलब मैं बिल्कुल नीचे गया था पानी भरने के लिए, तो यहाँ पे अपन लोगों ने पूरे का पूरा पानी भर दिया ऊपर, और यहाँ पे फिशेस फेंकनी शुरू करो उसके अंदर नीचे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो अपन लोगों ने बहुत फिशेस फेंक दी थी, तो अपन लोगों को एक साइड और तोड़नी पड़ी ताकि फिशेस निकल सके। और हमारा यहाँ पे रेस्ट रूम काफ़ी तैयार है। अब यहाँ पे बनाएंगे अपन लोग सोफे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम स्लैब्स, और उसके बाद यहाँ पे रुको, यहाँ पे हम लगाएंगे वाइट लैंटर्न्स वैसे भी। तो यहाँ पे बेच की वो लगाने के बाद स्लैब्स, यहाँ पे लैंटर्न्स लगाओ, थोड़ी उजाला भी चाहिए यार। अब यहाँ पे ट्रैप डोर्स ताकि सोफे लगे, और यहाँ पे लगाएंगे हम वाइट लैंटर्न्स, सी लैंटर्न्स कहते हैं ना इनको, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सी लैंटर्न्स जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे लगाएंगे पूरी 3 पेंटिंग्स। तो ये हो गया हमारा रेस्ट रूम तैयार, यहाँ पे ये अच्छी लगी। अब लोग यहाँ पे लगाएंगे रॉड्स, लाइट वाली रॉड्स लगाएंगे यहाँ पे, तो एक एक एक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो गाइज ये अपन लोगों ने सिर्फ 2 रूम्स का इंटीरियर तैयार किया था, और इसके ज़्यादा मैंने नहीं किया क्योंकि भाई वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाती तो तुमको एंजॉय नहीं आता।
तो ये है गाइस हमारा अंडरग्राउंड घर, मतलब बाकी दो रूम्स में आप भाई आपको जो बैठाना है वो बिठाओ, अकेले गद्दे लगा दो नीचे वो भी चलेगा। तो अगर आपको ये इंटीरियर या ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो ताकि भाई मोटिवेशन मिले, अपन लोग अगला ट्यूटोरियल जल्दी से जल्दी लेके आए। और तुम्हारा भाई स्ट्रीम भी करता है तो स्ट्रीम पे ज़रूर ज्वाइन होया करो। लव यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, रियली थैंक यू यार, मतलब मज़ा आ गया घर देखने में और घर बनाने में, मतलब बहुत टाइम लगा है बट मज़ा तो तब आए भाई तुम इस वीडियो को लाइक भी करो। तो लव यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।